सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ जो हमारे सोसाइटी में शिवपति नाथ जी का मंदिर बना है, तो वहाँ हम सब खाए गए। मैं जब भी उनका जिस दिन मंदिर को बनाया गया, जिस दिन स्थापना हुआ, जिस दिन पिंड को बिठाया गया, उस दिन बड़े घाई घाई में सब ऐसे वैसे गए। तो मन में एक था कि एकदम शांति से गए, नहीं पूजा पाठ वगैरह किए नहीं। तो एनुअल डे के बाद इन लोगों का भी छुट्टी था, तो मंडे पड़ा और राज और लाडो का भी छुट्टी था। तो लाडो तो नहीं गई, लाडो उस टाइम ट्यूशन में, क्योंकि राज का ट्यूशन जो है शाम को रहता है। तो राज को भी मैंने बोला चलो मंदिर से तुम वापस आ जाना घर पे और मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे बैंक जाना है। जो मैंने एटीएम कार्ड लिया है वो पता नहीं क्यों ब्लॉक बता रहा है, नहीं चल रहा, तो वो मुझे दिखाने जाना है। तो हम सब निकल गए फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारी एक सब्सक्राइबर मिली, बिल्डिंग में रहती हैं, दूसरे विंग में रहती हैं, लेकिन ये सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल को, देखती हैं और बड़ी तारीफ करती हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक ऐसी पर्सन है जो अभी लड़की है, ये बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जब भी मिलती है ना, सबसे पहला वर्ड यही बोलती है, आपका वीडियो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो उनका उनको कुछ तो उनको पूछना था कि आपका वीडियोज़ मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैंने बताया और आ गई मैं अभी मंदिर में, भगवान जी के मंदिर में। तो आज मैं घर से ही घी का दीपक बना के दिया लेके गई थी और वहाँ हमने जलाया, पूजा पाठ वगैरह किया। बहुत भीड़ है, बहुत ही भीड़ है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे मतलब सोसाइटी में ऐसे मतलब बनेगा तो इतना दूर दूर से भी लोग आएंगे, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। वहाँ के पुजारी जी हैं, यही पूजा करते हैं। और मैं वहाँ से चली गई बैंक और एक गड़बड़ी हो गया कि फ़ोन राज ने वापस घर पर लेके आया, मुझे उन्होंने फ़ोन दिया ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, गई मैं बैंक में तो बोल रहे हैं कि ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम अगर है तो आपको आपका फ़ोन नंबर चाहिए, आपका फ़ोन पास में रहना चाहिए, ओटीपी आएगा। अभी क्या, मैं वहाँ से भागते भागते वापस से आई और नाश्ता फिर हम लोग ने किया, जल्दी जल्दी मैंने किया क्योंकि मुझे वापस से जाना था बैंक। तो मैं जस्ट आई और मुझे आदत है आते ही कुशन देखना और सोफा पे लाडो ने कुछ गिराया है क्या, तो अपने ही दुपट्टे से झटकना आया ऐसे। तो और भी मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ क्या मैंने छोड़ के मैं गई थी और राज ने क्या कहाँ पे ऐसे रखा है, क्या काम नहीं हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब खुद को ही करना रहता है और कोई घर में नहीं रहता है, तो हमें जब जिस चीज़ की जल्दी रहती है तो वहाँ हम ये करते हैं, भाग जाते हैं। तो मैं अभी निकल रही हूँ जिम के लिए, मैंने जिम का अभी ड्रेस पहन लिया। और राज को मैं फिर बता रही हूँ कि तुम अपना होमवर्क वगैरह करके रखना, अभी दीदी भी नहीं आई हैं जो आती हैं काम के लिए, तो वो आएंगे तो वो अपना वो काम, उनका कुछ टेंशन नहीं रहता है, बहुत शांत है, अपने काम से मतलब रखती हैं, अपना काम जो है अच्छे से करके चली जाती हैं, कुछ भी टेंशन नहीं है। तो राज को फिर मैं समझा रही हूँ कि अपना पढ़ाई लिखाई करना, और मैं निकल रही हूँ फ्रेंड्स जिम के लिए। आप सब बने रहिए। ऐसे तैसे करके फिनिश, क्योंकि खाना अगर बोलिए तो इनके जान पे आता है, बहुत मुश्किल होता है इनको खाना खिलाना। और इनको दूध खाना से तो बहुत ही दुश्मनी है इनका। तो फाइनली इनका अभी खाना ख़त्म होने वाला है। तो बहुत रहता है कि मम्मी मुझे मालिश करिए, जैसे मैं छोटी थी वैसे मालिश करती थी, वैसे ही मालिश करिए मम्मी, आपने कल क्यों नहीं किया, इनको बहुत शिकायत रहता है। और इनको बड़े लोगों की तरह ये बात करती है, मम्मी आपके पास तो टाइम ही नहीं है, हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं है, आप इतना बिजी रहती हो, मम्मी आप यूट्यूब छोड़ दो, मम्मी आप अपना वीडियो बंद करो यार। ऐसा जरा तो कुछ नहीं बोलता है, वो तो अपने काम में रहेगा, उससे इतना लेना देना नहीं है। लेकिन अभी इनके हिसाब से हम लोगों को रहना पड़ता है, मम्मी आपके पास टाइम नहीं है, हमारे साथ रहो, हमारे साथ सो,
हमारे साथ खाना खाओ, हमसे बात करो मम्मी, हमारे साथ खेलो, इनको ये सब रहता है कि आप टाइम जो है पूरा अपने काम में लगाती हो मम्मी, पूरा दिन आप बिजी रहती हो, हमारे साथ आप बिल्कुल भी नहीं टाइम स्पेंड करते मम्मी तुम्हारे। तो आज फिर मैंने एक दिन का गैप हो गया था, वैसे रात में इनको मैं कर देती हूँ किसी भी टाइम, भले रिकॉर्ड करूँ या नहीं करूँ, छोटी है तो थोड़ा उसको लगता है, और वो खेलने वेलने में गिर गिर जाती है नीचे, तो उसको थोड़ा सा दर्द होता है, कहीं कहीं थोड़ा निशान आ जाता है। तो फिर मैंने मालिश किया और मुझे भी हेडेक हो रहा था। तो कभी कभी लगता है ना कि हम तो दूसरे के लिए हैं लेकिन हमारे लिए कौन है, हम तो चलो बच्चों को कर लेते हैं, जो अभी पति का ही जो भी काम है वो तो करेंगे ही करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हम अपने फैमिली में, अपने फैमिली के लिए हम हैं तो हमारे लिए कौन है। शायद हम समय से ज़्यादा, और शायद हम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि हमें हमारा सुख दुख पूछने वाला कोई भी नहीं है कि तुमको क्या तकलीफ है या तुम कैसा फील कर रही हो, तुमको क्या लग रहा है, जो भी है। ऐसा लगता है कभी कभी कि ज़िंदगी क्या है कोई। तो हमें भी थोड़ा हेडेक हो रहा था फ्रेंड्स, मैं दूसरे ट्रैक पे चली जाती हूँ कभी कभी। तो मैंने भी मेरा तेल मालिश करके खुद से लिया, सिर दर्द हो रहा था, और लाडो को अभी भी खांसी ऐसा ये सब है, बहुत कमज़ोर अभी हो गई जब से वो डेंगू हुआ, जब से एडमिट हुई। तो फिर उसको मैंने खांसी का दवा पिला दिया, और उनको भी कैसा हाथ से थप थप करके मम्मी सुलाओ, ऐसे नहीं सोना है, फिर वो बोलेंगे कि ऐसे तब तक करके सुलाओ। तो मैंने भी, क्योंकि इधर बहुत नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक एक दिन छोड़ के तेल रख ही लेती हूँ सिर में, बहुत दर्द होता है। अभी जब से स्पेक्स लिया है तब से तो चलिए उतना सिर दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर में कभी कभी ऐसा लगता है चोट लगा है ऐसा, सिर में पीछे दर्द होता है, पीछे साइड। यहाँ पे मैं इनको थपकी दे के अभी सुला रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।